529 का वर्गमूल कैसे निकालें, अभी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बच्चों यहाँ पर हमारा मेथड रहेगा भाग विधि। वर्गमूल को कैसे लिखते हैं बच्चों, अपना अंडरूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। एक बार यदि आपने सीख लिया तो उसके बाद आपके लिए वर्गमूल निकालना चुटकियों का खेल हो जाएगा। कैसे, इस दिशा में आगे बढ़ते दो अंकों को साथ लो, अंडरलाइन, अंदर में आगे बढ़े तो एक अंक की संख्या आ गया कितना, पाँच। इस पाँच के लिए हम एक से लेकर नौ तक की संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका खुद के साथ गुणा करने पर आपका पाँच से बड़ा ना हो। जैसे हमने दो गुणा दो लिया, चार आ रहा है, पाँच से छोटा है। अब इससे एक बड़ी संख्या लेकर देखते हैं कितना आ गया, नौ। देखिए यह आ गया आपका पाँच से बड़ा। हमें क्या चाहिए, जो पाँच से बड़ा ना, लेकिन यह तो पाँच से बड़ा है, नहीं चाहिए तो हम यहाँ रुक जाएंगे, स्टॉप। किसको लेना है, इससे पहले वाली संख्या को, यानी हमने क्या लिया, दो गुणा दो कितना आता है, चार। एक बार इसको यहाँ ऊपर लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ना रहता है और इसको घटाना रहता है, और ऊपर से जो दो अंक हमने अंडरलाइन कर रखे हैं इसको यहाँ नीचे ले आते हैं। अब देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस चार के साथ कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि आपका 129 से बड़ा ना है। उसके साथ जैसे मैं तीन लेता हूँ, तीन का गुणा करता हूँ कितना, नौ, चार तक 12, एग्जैक्ट इसके बराबर मिल गया। किसको लिया हमने, तीन को, तो यहाँ लिख दो। फिर भाई घटाना होता है, कितना आ गया, जीरो जीरो आ गया। यह जो आपका वैल्यू बना है कितना, 23। ये 529 का वर्गमूल है।